25 सितंबर से हो सकता है आईपीएल। 26 दिन में 60 मैच खेले जाएंगे। 5 जगहों पर रोज दो दो मुकाबले खेले जाएंगे। कोरोना वायरस के कारण आईपीएल का मौजूदा सीजन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है। इस बीच बीसीसीआई टी20 वर्ल्ड कप के टलने पर इसके आयोजन की तैयारी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक 25 सितंबर से 30 अक्टूबर के बीच आईपीएल हो सकता है, यानी 36 दिन में 60 मैच खेले जाएंगे। हर दिन दो मैच होंगे। इस सीजन में होम और अवे जैसा फॉर्मेट नहीं होगा। 5 वेन्यू पर पूरा टूर्नामेंट हो सकता है। टूर्नामेंट के मुकाबले भी कम किए जाएंगे। वर्ल्ड कप होता तो आईपीएल मुश्किल। ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर नवंबर में टी20 वर्ल्ड कप होना है। आईसीसी अगले महीने वर्ल्ड कप के आयोजन पर निर्णय करेगा। इसे टाला जा सकता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में स्टेडियम में 25% फैंस के आने की अनुमति दे दी है। ऐसे में आयोजन की उम्मीद बढ़ गई है। अगर वर्ल्ड कप होता है तो आईपीएल का आयोजन मुश्किल होगा। आईपीएल के लिए होने से बोर्ड को लगभग 4,000 करोड़ का नुकसान होगा। इसके अलावा खिलाड़ियों को भी करोड़ों रुपए की सैलरी नहीं मिलेगी। कोरोना कम नहीं हुआ तो देश के बाहर आयोजन। कोरोना वायरस के कारण देश के चुनिंदा स्टेडियम में मैच खेले जाएंगे। फैंस के आने पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। देश में अगर कोरोना की स्थिति नहीं सुधरती है तो इसे देश के बाहर आयोजित किया जाएगा। कोरोना मुक्त देश को प्राथमिकता मिलेगी। न्यूजीलैंड खुद को कोरोना मुक्त देश घोषित कर चुका है। ऐसे में वहां भी आयोजन को लेकर चर्चा चल रही है। श्रीलंका और यूएई में भी आयोजन हो सकता है। टॉप 4 टीम के बीच सेमीफाइनल मुकाबले होंगे। आईपीएल के अधिकतर शनिवार और रविवार को ही दो दो मुकाबले खेले जाते हैं। इस बार कम दिनों में आयोजन के कारण हर दिन दो दो मुकाबले होंगे। इस बार प्लेऑफ जैसा फॉर्मेट नहीं होगा। प्लेऑफ में क्वालिफायर 1, एलिमिनेटर और क्वालिफायर 2 होते हैं। इस बार लीग मुकाबले के बाद टॉप 4 टीमों के बीच सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। वोट की पूरी कोशिश है कि विदेशी खिलाड़ी को भी लीग में उतारा जाए। नवंबर में शुरू हो सकते हैं घरेलू टूर्नामेंट के आयोजन। हर साल अगस्त में बीसीसीआई घरेलू टूर्नामेंट के आयोजन करता है, लेकिन इस बार नवंबर में इसकी शुरुआत की जाएगी क्योंकि इसके पहले आईपीएल चलता रहेगा। यह भी बोर्ड का घरेलू टूर्नामेंट है। सबसे पहले द्वीप ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद रणजी ट्रॉफी के मुकाबले होंगे, फिर विजय हजारे वनडे टूर्नामेंट, अंत में सैयद मुश्ताक अली टी20 के मुकाबले भी खेले जाएंगे। आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।